मैंने मूवी देखी एनिमल और मैं स्पीचलेस हूँ बिल्कुल, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। माइंड ब्लोइंग, फैबुलस, फैंटाबुलस, जितने भी एडजेक्टिव्स हैं ये मूवी के लिए, मतलब फिनोमिनल, बहुत ही ज़्यादा। मुझे लग रहा था कि मूवी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसका ड्यूरेशन, रन टाइम 3 घंटे 20 मिनट, बट कैसे शुरू होगी कैसे ख़त्म होगी आप भूल जाएंगे बिल्कुल, यू लूज ट्रैक ऑफ टाइम। और रणबीर कपूर का तो रोल जो उन्होंने प्ले किया है, आई थिंक वो नेशनल अवार्ड जीत जाएंगे ये रोल के लिए। अनिल कपूर तो है ही एक वर्सेटाइल एक्टर, इतने सालों से वो 40 साल से काम कर रहे हैं तो उनके बारे में तो कुछ कहना है, बहुत ही लाजवाब एक्टर है वो, और इस मूवी में भी उनका रोल बहुत अच्छा है। और रश्मिका मंदाना, ओ माई गॉड, उनका भी रोल बहुत अच्छा है, दोनों की केमिस्ट्री ऐसी है कि जलजला मचा दे बिग स्क्रीन पे। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है अमित रॉय की, स्टोरी स्क्रीन पे, डायरेक्शन बहुत अच्छा है संदीप रेड्डी वोंगा का, एंड ओवरऑल आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच। बहुत बढ़िया थी, बहुत बॉलीवुड में अभी तक की सबसे बेस्ट मूवी रही है मेरे ख्याल से। काफ़ी सारे डायरेक्टर्स को बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस मूवी से, 5 स्टार बहुत कम है इस मूवी के लिए, काफ़ी अच्छा डेवलप है, बहुत प्यारी है। यहाँ से रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों को एडवाइस भी मिल सकती है और लोगों को काफ़ी देखने की ज़रूरत है इस मूवी को, 5 स्टार कम पड़ रहे भाई। मुझे ओवरऑल फिल्म काफ़ी अच्छी लगी, सारे करेक्टर्स भी अच्छे थे और रणवीर कपूर और रशिका और जो भी बाकी के एक्टर्स थे, एवरीबडी वॉज परफॉर्मिंग एंड डूइंग द बेस्ट जॉब्स, एंड इट्स अ बेस्ट वर्क ऑफ रणवीर कपूर टिल येट, एंड ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट फिल्म। इंडिया में ऐसी फिल्में नहीं बनती, तो आई मस्ट टेल यू दैट गो एंड वॉच दिस फिल्म। 3 आवर्स लगता नहीं है इतना लेंदी जितना हमको पढ़ के लगता है, बट डेफिनेटली ओवरऑल फिल्म अच्छी है, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ 4.5 out of 5, इट्स एन अमेजिंग फिल्म। रश्मिका एंड रणवीर की केमिस्ट्री आपको कैसी लगी? इट्स गुड, इट्स वेरी नाइस। बाप बेटे का जो केमिस्ट्री है वो बहुत निखर के आया है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और क्या बोलूँ मैं, बस एक जो केथरी जी जो अडल्ट रणबीर कपूर ने बोला था वो दिखाया गया है फिल्म में, लेकिन इट्स कनेक्टेड एंड इट्स समथिंग लाइक यू पीपल, ऑल नॉर्मल पीपल कैन फील इट, दैट कि एक बाप बेटे का क्या होता है लास्ट में वो समझाया जाता है। और बस इस फिल्म को ज़्यादा दिल पे मत लेना, बहुत खून खराब है, बहुत ज़्यादा है, बस मूवी तक ही सीमित रखो, बाहर जाके ज़्यादा वो सब मत करना और पागलपन मत करना। एक फिल्म बनने में बहुत मेहनत लगता है, कोई स्टार नहीं है, एवरीवन हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। I wish everyone a good luck and come and watch this film. Chemistry भी बहुत अच्छी है इस फिल्म की, सबसे अच्छी बात है कि इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि आज अभी मतलब बहुत सारे माँ और बेटे के कॉन्सेप्ट पे फिल्में बनी है, लेकिन इसमें बाप और बेटे का जो कॉन्सेप्ट इतना ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है, बहुत अच्छा है। मैं बेसिकली एक्चुअली कैरेक्टर की बात करें तो रणबीर कपूर ज़्यादा पसंद है, गुड एक्टिंग है, और रश्मिका मंदाना, नहीं केमिस्ट्री इज गुड फॉर दैट, एक्चुअली इट डन अ गुड जॉब। बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस थे, एक्सपेक्टेशंस था जैसे टाइटल था मूवी का, तो बहुत ज़्यादा एक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी और स्लाइटली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि फर्स्ट हाफ में जो एक्शन था वो सेकंड हाफ के टुवर्ड्स बहुत कम हो गया लिटरली। सो हाँ, बट ओवरऑल मूवी अच्छी थी।